जो कहता था कल तक संभलना संभलना, वही लड़खड़ाया सवेरे सवेरे। अपनी तो शाम हो गई नैना, बैठ। बैठना तो पड़ेगा, तुम्हारी क्लास लेनी पड़ेगी। तुम क्या इतने कमजोर हो गए हो सुनील कि तुम्हें शराब का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई? कमजोर का तो पता नहीं मैदा, लेकिन हाँ लगता है बूढ़ा जरूर हो गया। तुम तो चाहिए डेकिंग की ट्रिप पर हो। अरे भाई, मल्होत्रा इंडस्ट्री के साथ प्रपोजल कामयाब नहीं हुआ तो इसमें हार मानने की कौन सी बात है? हारने की आदत अपनी पुरानी है मैदा, लेकिन बात बेवजह हार जाने की है। अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा था ऋषभ की तरफ से, अचानक उसे हुआ क्या? सुनील, उस फैसले को आखिरी फैसला मत समझना। महेंद्र मल्होत्रा ने उस फैसले पर ऑब्जेक्शन उठाया है, समाओ वो प्रपोजल के साथ अग्री करते हैं। अब फाइनल फैसला तो जनरल बॉडी मीटिंग में ही होगा। ऋषभ के एटीट्यूड में ये बदलाव कहीं तुम्हें और मुझे लेकर तो नहीं आया? आई डोंट थिंक सो। ऐसे जिंदगी में किसी को भी पूरी तरह समझने का दावा नहीं करना चाहिए, ना ही कोशिश। अपना दिल साफ है तो दुनिया की परवाह करने की क्या जरूरत है? दिक्कत इसी बात की है मेरे, कि मेरा दिल साफ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें लेकर कई सारे प्लान्स बना लिए, और अगर मल्होत्रा इंडस्ट्री मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करती है तो मैं अपना लॉ फर्म खोलूंगा और कंपनी वापस कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन महेंद्र मल्होत्रा के एफर्ट्स के बाद? हाँ, उतना इंतजार तो बेशक करूंगा, लेकिन मेरी काबिल वकील मिस मेधा हेगड़े मेरे लॉ फर्म खुलने के बाद आप मेरी पार्टनर होंगे। यू विल बी माय पार्टनर, मंजूर? मंजूर। हाय मेधा।